जब से शमिता शेट्टी का कंफर्म हुआ है नाम कि वो बिग बॉस के घर में जा रही हैं, तब से अलग अलग लोगों की अलग अलग तरीके की प्रतिक्रिया है। ऐसे में आप लोगों को बताना चाहता हूं कि मूस जुटाना, जो कि बिग बॉस ओटीटी के घर में दाखिल हुई थी और उसके बाद उन्होंने अच्छा खासा गेम खेला, लोगों को हंसाया, गुदगुदाया, रुलाया, और अब दोस्तों मूस जुटाना ने बोल दी है शमिता शेट्टी को लेकर एक बड़ी बात। अपनी शमिता शेट्टी अपने पास रखो, उसके साथ मैं रहकर रही हूं ना, मुझे पता है, ये बात बोलती है वो। आइए इस वीडियो में बताता हूं कि क्या है माजरा। स्वागत है आपका फिफाफूज में, मैं आपका होस्ट एंड दोस्त राहुल भोज। चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लो यारो। फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम पर मौजूद हूं सेम राहुल भोज के नाम से, तो वहां पर मुझे फॉलो जरूर करें। दोस्तों बात करते हैं कि आखिरकार मूस जुटाना क्या कहते हुए नजर आती है। दरअसल ये माजरा है मूस का, जब वो छोटी छोटी वीडियो इंस्टा क्लिप्स जो है एड ऑन करती है, जहां पर मूस जुटाना कहती है कि भैया शमिता शेट्टी का नाम वहां पे कंफर्म हुआ तो मुझे क्यों ट्रोल कर रहे हो तुम उस चीज को लेकर। बेसिकली शमिता शेट्टी फैंस जो हैं वो मूस को ट्रोल कर रहे होंगे, तो इस बात को लेकर उन्होंने ये बात रखी है। जिस पर दोस्तों मूस जुटाना कहती है कि भाई शमिता शेट्टी वहां पे है तो तुम उससे बात करो ना, तुम मेरे से क्या बात कर रहे हो, और प्लस मैं उसके साथ घर पे रहकर आई हूँ ना, बिग बॉस 15 में वो जा रही है, अच्छी बात है, मैं उसके साथ घर पे रह के आया हूँ, मुझे पता है वो कैसी है। तो दोस्तों मूस ने कहीं ना कहीं ना चाहते हुए भी कुछ ऐसी बातें कह दी हैं जो कि काफी लोगों को मिर्ची लग सकती है उस बात को लेकर। मूस जुटाना हमने देखा है बिग बॉस के घर में एक बहुत ही प्यारी बच्ची सी, मासूम सी लड़की बनकर आई थी, हालांकि उसके बाद बहुत सारी बातें सामने आई, बहुत सारी अलग अलग मुद्दे सामने आए मूस के, और फिर उसके बाद मूस का गेम हो गया, ये भी बात हमें पता है। सो दर्शकों आपको क्या है कहना इस बारे में कमेंट करके जरूर बताएं। बने रहें चैनल के साथ, देखते रहें फीफा फूज, और मुझे इजाजत दीजिए, मैं चलता हूं।